हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और पॉपुलर डिश, जो कि है चिकन दम बिरयानी। इस बिरयानी को बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगेगा, मगर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होती है। तो चलिए हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस बिरयानी के लिए गरम मसाला रेडी करना होगा। ये देखिए, हमें इन सारे मसालों को लेकर मिक्सी में अच्छे से पाउडर बना लेना है। इनकी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको गरम मसाले में सौंफ का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसे डालें, वरना ना डालें। आप इस गरम मसाले के पाउडर को कम से कम 1 से 2 महीनों तक एयर टाइट कंटेनर में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चावल लेकर उसे अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रखना होगा। आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। अब अच्छे से चिकन को साफ़ कर लीजिए और उसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे तो इस बिरयानी के लिए सिर्फ चिकन लेग पीस ले सकते हैं या फिर बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। अब सब मसाले मिक्स करने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया के पत्ते और नींबू का रस भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कम से कम मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक आप 8 से 10 प्याज लीजिए और उन्हें काट कर अच्छे से फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। मैंने यहाँ प्याज को पहले से ही कट कर फ्राई कर लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। अब हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक बड़ी पतीले में 4 से 5 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर इस चिकन को उसमें डालकर अच्छे हिलाते हुए पका लेंगे। हमें इसे पहले 10 मिनट तक पकाना है। ध्यान रहे आप इसमें कोई पानी ना डालें, चिकन खुद के ही पानी में गल जाता है। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन में भी अच्छा सा पानी छूट चुका है। बस 1 से 2 बार इसे हिलाइए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारे फ्राइड ऑनियन हल्के से क्रश कर डाल देंगे। अगर हम ऑनियंस पहले ही डाल देंगे तो हमारा जो मसाला है वो हल्का सा कड़वा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा चिकन को पकाने के बाद ही ऑनियन को इसमें डालेंगे। ये देखिए, ऑनियन डालने के बाद 5 ही मिनटों में हमारा मसाले का जो सारा पानी है वो सूख चुका है। अब हमारा चिकन भी 75% गल चुका है। अब हमें यहाँ इस वक्त गैस को बंद कर देना है। ध्यान रहे आप जब चिकन पका रहे हों तो उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, उसे हाई फ्लेम पर ना पकाएं, वरना उसका सारा पानी सूख कर हम जब बिरयानी को स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो वो बिरयानी का मसाला जो है वो जल सकता है। अब हमें हमारे राइस को पकाना है, तो सबसे पहले पतीले में पानी लें और उसमें नमक, सारे खड़े मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छे से बॉयल आने दें पानी को। आप इस प्रोसेस को जब चिकन आधा पक जाए तभी स्टार्ट करें, ताकि जब तक चिकन पक जाए तब तक हमारा चावल का जो पानी है वो भी बॉयल हो जाए। अब हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें हमारे सारे जो चावल हैं वो डाल देंगे और 1 से 2 बार हिलाकर अच्छे से बॉयल कर लेंगे। चावल को हमें यहाँ पूरा नहीं पकाना है, बस हमें 75% जब तक कुक ना हो जाए चावल तभी तक ही उन्हें पकाना है। जब चावल बॉईल हो रहे हों तभी उन्हें ज़्यादा ना हिलाएं, बस 1 से 2 बार ही हिलाएं, वरना चावल टूट सकते हैं। आप यहाँ बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चावल जो हैं वो 75% कुक हो चुके हैं, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं उबालना है। अब इस चावल का पानी निथार लीजिए और इन चावलों को चिकन मसाले के ऊपर डाल दीजिए। चावल को अच्छी तरह से निथार लीजिए, ज़्यादा पानी उसमें ना रहना पाए, वरना हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही गीली गीली हो जाएगी। इसी तरह से सारे चावल के पानी को निकालिए और उस पतीले में चिकन के ऊपर डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ सारे चावल को डाल दिया है और ऊपर से जो हमने ऑनियन को फ्राई किया है वही तेल हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इस बिरयानी को बनाने के लिए टोटल हमें 300 से 400 ग्राम तेल की ज़रूरत होगी। तेल को सारे चावलों पर डालने के बाद थोड़ा सा प्याज डालिए, फ्राइड ऑनियन,
और उस पर हल्का सा फूड कलर डालिए। अगर आपके पास केसर हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसका जो लीड है, ढक्कन है, वो अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और एक हेवी वेट रखकर इस पर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर डायरेक्ट कुक कर लीजिए। 5 मिनट के बाद आप इसे एक गर्म तवे पर रखकर 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लें। उसके बाद इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर उसके बाद आप बिरयानी को खोल सकते हैं। ये देखिए, हमारी बिरयानी तो यहाँ रेडी हो चुकी है और इसका एक एक दाना बहुत ही खिला खिला और अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम हल्के से ऊपर के चावलों को हल्के से हटा लेंगे और जो नीचे का जो चिकन मसाला है उसे इन चावलों में हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे चिकन मसाले का और चावल का कलर कितना अच्छा दिख रहा है और स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इन्हें हल्के से मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। परफेक्ट बिरयानी बनाना उतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप चावल को बॉईल कर रहे हो तो उसे ज़्यादा बॉईल ना करें, वरना बिरयानी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनेगी, एक एक दाना नहीं खिलेगा। आप इस बिरयानी को दही के रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्व करते समय आप इसमें थोड़े से फ्राइड ऑनियन भी डाल सकते हैं और फ्राइड काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिरयानी बनाते वक्त मसाले में ही काजू डाल सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को आपके घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए होम कुक फूडी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।